जेके यूटी तमाम उन सरकारी कर्मचारियों की कुंडली खंगाल रही है जिन सरकारी कर्मचारियों के आतंकवादियों के साथ संबंध है, या फिर आतंकवादियों के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके साथ संबंध है। मैं आपको बता दूं कि 2020 में आईजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में कमान संभाली थी और उसके बाद अब तक 50 से अधिक कर्मचारी वो सरकारी कर्मचारी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है जिनके सरकारी कर्मचारी जो है उनके आतंकवादियों के साथ संबंध थे। अब आपको मैं बता दूं कि 32 ऐसे कर्मचारी और हैं जिनके वो सपूत इकट्ठा कर रहे हैं और उनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई होगी। और आतंकवादी जो सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों के साथ तालमेल रखते हैं, तमाम उन कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप हमारे देश का खाते हैं और दूसरी तरफ आप लोग जो है आतंकवादियों के साथ संबंध रखेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई जो है वो जरूर होगी। मैं आपको बता दूं 32 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके ऊपर जो है सरकार कार्रवाई करने जा रही है, उसमें अलग अलग विभाग के तमाम कर्मचारी, उसमें आपको बता दूं शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और कुछ कर्मचारी पुलिस विभाग के भी हैं और शिक्षण संस्थानों तथा अन्य विभागों में कार्यकर्ता ऐसे सरकारी कर्मचारियों की सरकार जो है वो कुंडली खंगाल रही है और जिनकी संदेह है कि जो संदेह के घेरे में है, और फिलहाल ऐसे 32 सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जो है वो जान चल रही है, सरकार उनके खिलाफ जो है वो सबूत इकट्ठा कर रही है। ऐसे लोगों की कुंडली खंगाल रही है जो कश्मीर घाटी में हिंसा के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी अलगावादी संगठनों के साथ देते हैं। ऐसे लोगों को बर्खास्ती के पहले पूरा जो गेजियर जानी है, पूरा उनका जो है वो सबूत जो है वो सारे इकट्ठा किए जाएंगे और सबूतों के साथ उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सरकार में रहने के बावजूद आप जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम करते हैं या फिर आतंकवादियों से तालमेल रखते हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। 32 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ जो है सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2020 में कमान संभाली थी, इसके बाद ही आतंकियों के इकोसिस्टम पर जो है वो प्रहार शुरू कर दिया था, क्योंकि ये वो सिस्टम था, इकोसिस्टम जो सारा खेल जो है वो रचता था। और 2020 के बाद आईजी मनोज सिन्हा ने इकोसिस्टम पर जो है वो प्रहार करना शुरू कर दिया और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आतंकियों तथा अलगावादियों के संबंध रखने वाले दागी सरकारी कर्मचारियों की शनाख्त के साथ ही आतंकियों की संपत्तियां जो है वो कब्जे में लेना शुरू किया था। क्योंकि जब इन सरकारी कर्मचारियों को पकड़ा गया था और इनसे जब पता चला, उसके बाद ही संपत्तियां जो है इनकी जब्त करना जो है वो शुरू किया और उनके आवासों पर बुलडोजर भी चलाए गए। किश्तवाड़ में 36 आतंकियों के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी किया गया जो पाकिस्तान से चिनाब वैली में नेटवर्क चला रहे थे, और इनको ठिकाने जो है वो छापेमारी भी इनके ठिकानों पर जो है वो की गई थी। तो तमाम कई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो फिलहाल ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम कर रहे हैं, जो आतंकवादियों के साथ अलगावादी नेताओं के साथ संबंध रखते हैं, खाते यहाँ का है और काम किसी और का करते हैं। और उन तमाम उन इकोसिस्टम पर आईजी मनोज सिन्हा ने प्रहार करना शुरू कर दिया था 2020 के बाद, और इसीलिए अब तक 50 से ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई, और अब 32 ऐसे और कर्मचारी हैं जो निशाने पर हैं, जिनके लिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब वो दिन नहीं है कि आप लोग जो है वो बच जाएंगे, क्योंकि 375 के बाद तमाम उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई जो आतंकवादियों के साथ संबंध रखते थे, उनकी उनके लिए मदद करते थे, उनके लिए मैसेज पास करते थे, तमाम वो सारी कार्रवाइयां उनके लिए करते थे। अब उनके ऊपर जो है लगातार सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है, और अब 32 ऐसे सरकारी कर्मचारी और होंगे जिनके ऊपर सरकार जो है वो सबूत इकट्ठा करके कार्रवाई करेगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ नई अपडेट के लिए। नमस्कार।